हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत आप ही के चैनल नो लॉस हेजिंग में। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीक मैंने एक कैलेंडर की स्ट्रेटजी डाली तो मुझे काफी कमेंट आए थे कि सर इसका एडजस्टमेंट बताइए। इस टाइप की ही कैलेंडर स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ और उसका एडजस्टमेंट बताने वाला हूँ। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो पहले ये वीडियो देख लीजिएगा और उसके बाद ये करंट वाली देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अभी चलते हैं एक बार अपने स्ट्रेटजी पे। अभी जैसे देख सकते हो मैंने कुछ बैक टेस्ट भी करके रखा था आपके लिए। अभी जैसा देख पा रहे हो यहाँ पे जो 7 फरवरी वाली एक्सपायरी थी उसमें नियरली 11,270 का प्रॉफिट हुआ है। नियरली 11% होता है क्योंकि इसमें जो कैपिटल यूज मैक्सिमम लिया है 1 लाख के समथिंग, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट रहेगा जैसा मैंने बताया था स्टार्टिंग में। और जो 14 फरवरी की जो एक्सपायरी है उसमें नियरली 8,900 का है और 8.9% का प्रॉफिट। और जो 21 फरवरी वाली एक्सपायरी है उसमें हमें 1874 रुपए का प्रॉफिट हुआ, नियरली 2% के समथिंग मान सकते हैं प्रॉफिट हुआ। अब इसके बाद देखते हैं हम अपनी स्ट्रेटेजी को किस तरीके की क्या स्ट्रेटेजी है, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए, वीडियो स्किप ना करें। तो चलिए चलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो ये स्ट्रेटजी हमारी बैंक निफ्टी के लिए रहने वाली है और वीकली स्ट्रेटजी रहेगी। और इससे पहली जो मैंने स्ट्रेटजी बताई थी वो निफ्टी के लिए थी लेकिन कैलेंडर स्ट्रेटजी थी। अब उसमें एडजस्टमेंट के लिए काफी रिक्वेस्ट आ रहे थे इसलिए मैं एडजस्टमेंट पर वीडियो बता रहा हूँ किस तरीके से आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। एंड जो मार्जिन रिक्वायरमेंट रहेगा वो नियरली 1 लाख के समथिंग रहेगा इसमें, क्योंकि अगर एडजस्टमेंट करना पड़े उसके लिए एक्स्ट्रा मार्जिन हमें चाहिए। वैसे नियरली आपको 50,000 में ये स्ट्रेटजी हो जाए। इस स्ट्रेटजी की मेन खासियत क्या है कि इसमें जो मैक्सिमम लॉस है उसको हम जीरो रखने वाले हैं। वो कैसे करेंगे वो देखने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें क्योंकि फिर आप स्किप कर देते हो आपको पॉइंट मिस हो जाते हैं, फिर बोलते हो समझ में नहीं आया, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। जो मैक्सिमम प्रॉफिट है, मैक्सिमम प्रॉफिट मैंने इसमें देखा है काफी बार 30% तक भी गया है। बाकी आप खुद बैक टेस्ट करिए किस तरीके का क्या रिजल्ट रहता है। एंड जो करंट प्राइस जैसे अभी बैंक निफ्टी का है वो 46,800 पे चल रहा है, तो हम स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रेटजी की। अभी स्ट्रेटजी में है क्या, जैसे करंट प्राइस अभी बैंक निफ्टी का 46,811 चल रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे जो एटीएम रहेंगे एटीएम को हम सेल करेंगे। तो एटीएम सेल हो गया, ये हो गया स्ट्रेडर। एटीएम हमने एक एक लॉट सेल कर दिया तो स्ट्रेडल बन गया। स्ट्रेडल को हम कैलेंडर करना है तो हम क्या करेंगे दूसरे वीक में जाके और सेम स्ट्रेडल बाय करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कैलेंडर बन जाता है, लेकिन अब उसको किस तरीके से एडजस्टमेंट करेंगे, कब हमें हेजेस बाय करने हैं कभी मैं बताऊंगा, कब ये स्ट्रेटेजी करनी है वो भी हम बात करेंगे। एंड जो टारगेट इसमें हमेशा की तरह आपके इमोशन पे डिपेंड करेगा। जहां पे आपको लगे कि हाँ ये मेरे लिए सफिशियंट है वहां पे आपको अपनी पोजिशन कट कर दे। जहां पे आपको डर लगने लगे कि हाँ अभी मेरा लॉस हो सकता है, कल मार्केट ऊपर चला गया नीचे चला गया, तो उसको देख के आप बुक कर सकते हैं। अभी हम स्टॉक मॉक में चलते हैं, देखते हैं किस तरीके से कब ये स्ट्रेटजी करनी है। चलिए चलते हैं स्टॉक मॉक में। अभी हम आ गए स्टॉक मॉक में। सबसे पहले बात करें ये स्ट्रेटजी आखिर आपको करनी कब, ये स्ट्रेटजी आपको करनी है जैसा कि मैंने बताया ये स्ट्रेटजी बैंक निफ्टी में अप्लाई करनी है। और बैंक निफ्टी में हमको जैसे वेडनेसडे को एक्सपायरी होता है तो हमको उससे अगले दिन ही अप्लाई कर, जैसे वेनसडे को एक्सपायरी है तो हमें उससे अगले दिन ये स्ट्रेटजी डिप्लॉय करनी है। और नेक्स्ट एक्सपायरी जैसे अभी यहाँ पे 1 तारीख को थर्सडे है तो 7 तारीख की एक्सपायरी के लिए हम इसको ट्रेड करें। और ये स्ट्रेटजी किस टाइम डिप्लॉय करनी है मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे 1 तारीख मैंने सिलेक्ट कर लिया, ये स्ट्रेटजी करनी है हमें मॉर्निंग में 9:30 को हमें जाना है। 9:30 का मैंने यहाँ पे टाइम ले लिया। 9:30 के बाद हमें क्या करना है जो हमारी एक्सपायरी है करंट वाली वो हमें ले लेनी है, 7th की होगी। इसमें हम क्या करेंगे दोनों साइड के कॉल पुट हमने सेल कर दी, लेकिन इसमें जो हेज बाय करेंगे वो हेज हम अभी बाय नहीं करेंगे, हेज बाय करेंगे हम या तो डे एंड में या हमारा अगर लॉस होना स्टार्ट हो जाए तब बाय कर, इस तरीके से करेंगे। तो मैं अभी आपको इसमें 2-2 घंटे आगे फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ, या हेड कर देता हूँ यहाँ से और ये 2-2 घंटे आगे फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ क्या रिजल्ट है। अभी भी जैसे आप देख पा रहे हैं नियरली 3% का प्रॉफिट हो रहा है, 3% का प्रॉफिट चल रहा है। हमें क्या करना है जैसे अगला दिन आ गया तो अगले दिन नहीं उससे पहले ही डे एंड में मैं 30-30 मिनट से आगे करता हूँ आपको क्या हेज बाय करने हैं, ठीक है, क्यों हमें ओवरनाइट पोजीशन अनेक नहीं ले जानी है। यहाँ पे मैंने और आगे किया नियरली 3:15 के आसपास आप हेज बाय करोगे, ठीक है। मैं यहाँ पे सोपे गया, अभी आप देखोगे तो नियरली 4.5% का प्रॉफिट हो रहा है। आप इसको बुक करना चाहो तो बुक भी कर सकते हो, फिर नेक्स्ट के लिए आप बना सकते हैं। जैसे मैंने सो किया, अभी इसमें क्या था आप देखोगे यहाँ पे 7 फरवरी के लिए लिया है हमने, तो जो नेक्स्ट फरवरी है, ठीक है, नेक्स्ट एक्सपायरी 14 फरवरी, हमको सेम स्ट्राइक पे जाना है 45,900 का, बाय कर ले, कॉल भी बाय करना है
और पुट भी बाय करना। इससे हमें होगा क्या, आपका जो लॉस है ठीक है वो बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएगा अगर आप प्रॉफिट में आ चुके। मैं इसको हाइड कर देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे अपर साइड बिल्कुल लॉस फ्री हो गया और नीचे की साइड में बिल्कुल काफी छोटा लॉस रहेगा। ठीक है, अब इसको हम आगे फॉरवर्ड करते हैं 2-2 घंटे से, देखते किस तरीके का क्या रिजल्ट रहता है, कितना हमें प्रॉफिट होता है। और जैसा आप देख पा रहे हो 7 फरवरी की हमारी एक्सपायरी है और अभी 2 फरवरी चल रही है। मैं इसको जल्दी जल्दी आगे फॉरवर्ड करता हूँ, नियरली देखते हैं 7 फरवरी को कितना प्रॉफिट हमें मिल पाए। और आप चाहे जहां पे भी आप बुक कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ आपके इमोशन के अकॉर्डिंग आप जहां मन चाहे वहां बुक कर सकते हैं। अभी देख सकते हैं आप कितना प्रॉफिट हो रहा है, नियरली कैपिटल के अकॉर्डिंग 13.9% प्रॉफिट हो रहा है, नियरली 14% का प्रॉफिट चल रहा है। और अभी 5 तारीख चल रही है, मैं इसको और आगे फॉरवर्ड करता हूँ, 6 तारीख हो गई अभी, और 2-2 घंटे से आगे जल्दी फॉरवर्ड करता हूँ, 7 तारीख को सीधा ले जाते हैं। 7 तारीख को क्या रिजल्ट रहता है, और आगे गए हम यहाँ पे देखेंगे नियरली 24% का प्रॉफिट चल रहा है। मैं और आगे फॉरवर्ड करता हूँ 30-30 मिनट से 3 बजे के समथिंग ले जाता, तो यहाँ पे देखोगे नियरली 26% का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन मैंने आपको पूरी कैपिटल पे दिखाया, ठीक है, 11,000 का जो प्रॉफिट दिखाया था, 1 लाख की कैपिटल भी दिखाया था, लेकिन यहाँ पे एडजस्टमेंट की आपको जरूरत ही नहीं पड़ी। सिर्फ हमने हेजेस बाय किए थे, उससे हमारा जो टोटल मार्जिन है नियर 42,000 दिखा रहा है, उसके अकॉर्डिंग 26% का हमें प्रॉफिट हो रहा है। इस तरीके से आप स्ट्रेटेजी डिप्लॉय कर सकते हो। अब मैं दोबारा अगली एक्सपायरी के लिए करके दिखाता हूँ। अगली एक्सपायरी के लिए हमें कब करना है, थर्सडे को करना है और मॉर्निंग में करना है 9:30 को। 9:30 को गए हम, ये हो गए। 9:30 पे जाने के बाद हमें क्या करना है, जो नेक्स्ट एक्सपायरी है ठीक है 14 की है करंट एक्सपायरी, और उस पर हमें क्या करना है, सेल कर देना। ये हमने सेल की, तो कभी कभार क्या होगा ना, आपके लेते ही मार्केट बड़ा मूव देना स्टार्ट कर दे, तो उसमें आपको घबराना नहीं है, हमको हेज तुरंत बाय कर लेंगे जैसे ही हमें थोड़ा बहुत लॉस दिखाई। मैं इसको आगे फॉरवर्ड करता हूँ। जैसे यहाँ पे देखोगे यहाँ पे नियरली 1.9% का लॉस दिखाई दे गया, तो इसमें आपको थोड़ा सा वेट करना है कि मार्केट थोड़ा सस्टेन करे तो आपको प्रीमियम नॉर्मल हो जाते हैं, क्योंकि एक साथ अगर मार्केट गिरा है तो उसमें क्या होगा आपके प्रीमियम स्पाइक हो जाते हैं। मैं इसको थोड़ा सा और आगे ले रहा हूँ। अगर वो ब्रेक इवन को ब्रीच नहीं कर रहा है, अगर ब्रेक इवन ब्रीच करता है तो तुरंत आपको कर देना है। अगर ब्रेक इवन के आसपास ही वो थोड़ा कंसोलिडेट करता है तो अभी आप देखोगे इसमें जो PNL है 0.8% माइनस चल, तो इसमें हमें एडजस्टमेंट क्या करना है, सबसे पहले तो इसके हेजेस बाय करने हैं। जो 4600 के CEP है ये हमें बाय करने हैं नेक्स्ट एक्सपायरी, तो 4600 के आसपास मैंने बाय कर ली, ये मैंने नेक्स्ट एक्सपायरी। इससे क्या होगा, हमारा जो नीचे का लॉस है वो बिल्कुल फिक्स हो गया कि हाँ इतना मैक्सिमम होगा। लेकिन अभी हमारा नीचे का लॉस है उसको जीरो कैसे करेंगे, अभी करंट पे चल रहा है हमारा 45,500 और जो हमारा हाईएस्ट पॉइंट था नियरली 46,000, तो इसमें क्या करेंगे हम, नियरली 45,000 जितना यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है उतना ही नीचे जाएंगे और नियरली 45,000 के आसपास का हम एक और स्ट्रेडल बनाएंगे। ठीक है, मैं 14 तारीख में गया और 45,000 के आसपास का एक और स्ट्रेडल हमने यहाँ पे बना, 45,000 का स्ट्रेडल बन गया। अब इसको हम तुरंत हेज कर देंगे नेक्स्ट वाले से, ये हो गया। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो, मैं इसको हाइड कर देता हूँ, तो हमारा जो नीचे का ब्रेक इवन था, ब्रेक इवन अभी बढ़ गया। ठीक है, इसके बाद फिर मैं इसको 2-2 घंटे से आगे बढ़ाता हूँ। अभी आप देखोगे तो नियरली 0.9% का प्रॉफिट दिखा रहा है यहाँ पे, और आगे चलते हैं। यहाँ पे 14 की एक्सपायरी है, अभी 9 चल रही है। मैं आगे फॉरवर्ड करता हूँ और जल्दी जल्दी, ठीक है, और आगे फॉरवर्ड करते हैं, और आगे फॉरवर्ड करते हैं, देखते हैं इसमें क्या रिजल्ट देता है। नियरली आप देखोगे तो 3% के समथिंग का प्रॉफिट करंटली चल रहा है इसमें, और आगे फॉरवर्ड किया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट डे हमारी एक्सपायरी है, अभी 13 चल रही है, देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है इसका। अभी नियरली 4.5% का प्रॉफिट चल रहा है, 5% के समथिंग का प्रॉफिट चल रहा है, और आगे करते हैं और नियरली 7% के समथिंग का प्रॉफिट हो गया, और आधा घंटा आगे कर देते हैं। तो यहाँ पर देखोगे तो नियरली 9% का प्रॉफिट हो रहा है, 8 के समथिंग का प्रॉफिट हो गया। तो इस तरीके से आप एडजस्टमेंट कर सकते हो, और एडजस्टमेंट के बाद देख सकते हो आपका नियरली 97,000 मार्जिन लगा है, जैसा कि मैंने बताया था 1 लाख के समथिंग लगेगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अभी मैं नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए भी करके दिखा देता हूँ आपको। हमको नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए कब करना है, थर्सडे को करना है। थर्सडे को जाना है 9:30 को। 9:30 पे गए हम, ये गए। 9:30 पे जाने के बाद इसमें हमें क्या करना है, जैसे एक्सपायरी 21 की है तो यहाँ पे हमें कॉल पुट दोनों सेल कर देने। कॉल पुट हमने दोनों सेल कर दिए, लेकिन इसके बाद हमें हेजेस अभी बाय नहीं करना। हेजेस बाय करेंगे हम थोड़ी देर के बाद, या जब हमें मार्केट मोमेंटम दे दे तब बाय करेंगे, कि मैंने पहले ही 2 बैक टेस्ट में बताया। ठीक है, आगे फॉरवर्ड किया मैंने, अभी तक कोई मोमेंटम नहीं आया। मैं इसको डे एंड में ले जाता हूँ। डे एंड में क्या तरीके से मूवमेंटम कुछ आता है या नहीं आता। नियरली 315 के आसपास हम एडजस्टमेंट करेंगे। 315 का टाइम आ लिया, ये हमने 315 का टाइम आ गया। 315 पे क्या करेंगे, जो 45,900 है उसको ही हम बाय करेंगे। 45,900 को नेक्स्ट एक्सपायरी में हमने बाय कर। इससे हुआ क्या, हमारे जो ओवरनाइट रिस्क था इससे वो कम हो गया। अगर यहाँ से मान लीजिए गैप अप भी हो गया तो ये रिस्क लिमिटेड हो गया, इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा, वो भी काफी गैप अप के बाद। इसमें मैं आगे फॉरवर्ड करता हूँ और देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। अभी करंटली देखेंगे 0.6% का प्रॉफिट चल रहा है, और आगे फॉरवर्ड किया मैंने। अभी 16 तारीख चल रही है, 21 तारीख की हमारी एक्सपायरी है। 2-2 घंटे से और आगे फॉरवर्ड करता हूँ, देखते हैं कितना रिजल्ट रहता है।
नियरली 1% के समथिंग का प्रॉफिट चल रहा है। अभी आप देख पा रहे हो 1.2% का प्रॉफिट है, जहां चाहे वहां पे निकल सकते हो, वो आपकी इच्छा है, आपके ऊपर छोड़ दिया है। 1.4% का प्रॉफिट है। अभी यहाँ पे देखोगे 20 की एक्सपायरी आ गई, अभी एक्सपायरी से एक दिन पहले, ठीक है, अगर आपको एडजस्टमेंट करना है तो उस एडजस्टमेंट को आपको नहीं करना। अगर एक्सपायरी से एक दिन पहले अगर आपका ब्रेक इवन ब्रीच होने वाला हो तो उसमें आपको, जैसे मैंने नॉर्मल एडजस्टमेंट बताए थे, वो नहीं कर, उसमें आपको क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है। या तो आप जो ब्रेक इवन है उस पे क्लोज कर सकते हैं, जैसे ब्रेक इवन है यहाँ पे आया, आप यहाँ पे क्लोज कर दे तो आपका जीरो लॉस में जो कॉस्ट टू कॉस्ट है वो निकल जाए। या फिर अगर आपको एडजस्टमेंट करना ही है, ठीक है, आपको थोड़ा चार्ट रीडिंग आती है, आपको पता है कि यहाँ से मार्केट थोड़ा अप ट्रेंड में जा सकता है, ठीक है, या गैप अप हो सकता है, उस केस में आपको क्या करना है, सिंपली जो आपकी एक्सपायरी है करंट वाली उसमें जाना है और जो एटीएम है उसको बाय कर लेना, ठीक है। ये मैं दिखा देता हूँ इस तरीके से क्या है। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो इसको बाय करने का बेनिफिट क्या हुआ कि यहाँ से अगर गैप अप हुआ या थोड़ा सा ऊपर हुआ तो हम इसको प्रॉफिट बुक कर सकते, लेकिन इसको हमें पूरे दिन होल्ड नहीं करना है। मॉर्निंग में ही जैसे आपको मोमेंटम मिले तब आपको उसको एग्जिट कर देना, ठीक है। मैं इसको आगे फॉरवर्ड करता हूँ, यहाँ पे देखिए, और मैं यहाँ पे 30 मिनट से आगे फॉरवर्ड किया और मैंने यहाँ पे फॉरवर्ड 9:30 हो गया, 9:49 हो गया। अब 9:49 के अप्रोक्स आप देख सकते हैं कि नियरली उतने पे ही क्लोजिंग आ रही है, तो मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे क्या है, आपका ब्रेक इवन उतना ही है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी एक्सपायरी है, अगर आपको लगे कि यहाँ से अभी रिवर्सल आ सकता है क्योंकि जो अब मूव हमने एक्सपेक्ट किया था उतना तो आया नहीं, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अभी यहाँ से अगर आपको लग रहा है कि रिवर्सल आ सकता है तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं डे एंड तक, या फिर ब्रेक इवन पे एग्जिट कर सकते हैं। मैं जिसको आगे फॉरवर्ड करता हूँ, जैसे मुझे पता था कि यहाँ पे डाउन मूव आ सकता है रेजिस्टेंस के पास मार्केट, आगे फॉरवर्ड किया इसमें और मैंने आगे फॉरवर्ड किया इसमें डे एंड तक ले गए, इस तरीके का क्या रहता है, और आगे फॉरवर्ड किया, यहाँ पे नियरली 1.2% के आसपास का वो प्रॉफिट मिला जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये प्रॉफिट हमें पहले ही हो गया था तो आपको इतना एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप अगर एक्सपायरी से एक दिन पहले आपका एडजस्टमेंट आ रहा है तो उसको अवॉइड कीजिए, जहां तक मेरा मानना है। अगर आपको करना है, अगर लगता है कि मार्केट बड़ा मूव दे सकता है तो आप एडजस्टमेंट कर सकते। कमेंट में बताइएगा किस तरीके की आपको ये स्ट्रेटेजी लगी, आपको अच्छी लगी। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा, मैं पूरी ट्राई करूंगा आपकी हेल्प करने के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। इस तरीके की अलग अलग वीडियो देखते रहने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।